नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो चलिए, पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर का कोविड 19 का आंकड़ा क्या कुछ कहता है उस पर बात करेंगे, और इसी के साथ साथ कोविड 19 से संक्रमित मरीजों को अब क्या कुछ नए लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो है आप सभी के लिए, क्योंकि अब नई परेशानियां जो हैं उन मरीजों को अब देखने को मिल रही हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए थे। क्या कुछ वो परेशानियां हैं वो भी आपको इस अपडेट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है कोविड 19 के नए केसेस जो हैं वो कितने आए हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में, इस पर जो है पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में टोटल 161 केसेस यानी 161 कोविड 19 के नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आए हैं, और वहीं जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो 161 केसेस में से 38 केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से थे, और वहीं 123 केसेस जो हैं ये कश्मीर डिवीज़न से थे। और इसी के साथ बात अगर की जाए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितने कितने केसेस जो हैं आए हैं, तो सबसे पहले जम्मू डिवीज़न की बात कर लें तो यहाँ पे जम्मू डिवीज़न की एक डिस्ट्रिक्ट सांबा डिस्ट्रिक्ट से जो है एक जो है खुशखबरी है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट से कल 24 घंटे में कोई भी केस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। वहीं अगर बात की जाए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो आपको बता दें कि 17 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कल 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। पुंछ से 5, डोडा से 4, उधमपुर से 3, राजौरी से 3, किश्तवाड़ से 3, कठुआ, रामबन और रियासी से एक एक केस जो है ये पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर बात की जाए कश्मीर डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट्स की, तो उसमें भी आपको बता दें कि श्रीनगर से 42 केसेस जो हैं ये रिकॉर्ड किए गए हैं, बारामूला से 23, बडगाम से 8, पुलवामा से 10, कुपवाड़ा से 7, अनंतनाग से 4, बांदीपोरा से 13, गांदरबल से 9 और कुलगाम से 7 कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि टोटल रिकवरीज़ की अगर बात करें तो जम्मू डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 161 कोविड 19 से जो रिकवरीज़ हैं ये रिकॉर्ड की गई हैं। तो चलिए इसी के साथ अगर बात अगर की जाए कि कितनी डेथ्स जो हैं वो पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट की गई हैं, तो 2 लेडीज़ की डेथ जो हैं ये सामने आई हैं। उसी के साथ अब इंडिया की बात कर लेते हैं कि पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है कहां तक पहुंचा है, तो उस पर भी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 41,806 केसेस जो हैं कोविड 19 के रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं डेथ्स की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में 581 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं। वहीं रिकवरीज 39,130 रिकवरीज जो हैं ये रिकॉर्ड हुई हैं। उसी के साथ अगर पिछले 24 घंटे में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है पूरे भारतवर्ष में, उसकी भी आपको जो है पूरी तरह से बात बताई जाए, तो आपको बता दूं कि 34,97,058 लोगों को जो है ये पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेट किया गया है। तो यानी टोटल वैक्सीनेटेड लोगों का आंकड़ा पहुँचता है 39,13,40,491। ये जम्मू कश्मीर का पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हमने बताया, उसी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के कोविड 19 के जो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं उस पर भी हमने बात कर दी। अब इसी के साथ एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में आपको पूरी अपडेट बता दूं कि कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों को कुछ नई परेशानियाँ जो है, कुछ ऐसी बीमारियों के लक्षण जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो बात निकल कर सामने आ रही है कि इन लोगों को करीब संक्रमण के करीब 2 से 3 महीने के बाद जो है बाल झड़ने की समस्या जो है ये काफ़ी परेशान कर रही है लोगों को। यहीं अगर बात की जाए SMGS अस्पताल के डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग के HOD डॉक्टर देवराज, इन्होंने ये बताया है कि अस्पताल में जो नॉर्मल OPD में एक दिन में करीब 15 से 20 लोग जो हैं वो बाल गिरने की समस्या के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, और इन लोगों में अगर बात की जाए तो कोरोना से रिकवर होने के 2 से 3 महीने के बाद इस तरह की परेशानी जो है ये निकल कर सामने आ रही है। वहीं बात की जाए तो मेंटल इश्यूज़ यानी कि मेंटल इलनेस की बात जो है वो भी निकल कर सामने आ रही है, और सबसे बड़ा कारण जो इसके लिए बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उन्होंने अपने आप को, अपनी बॉडी को पूरी तरह से टाइम जो है वो नहीं दिया रिकवर करने के लिए। यानी कि जब वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, जब उनकी बॉडी थोड़ी सी रिकवर करने लगी, तो उन्होंने सोचा कि अब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, अब हम अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो बॉडी को
जो है रिकवर होने के बाद पूरी तरह से उन्होंने जिस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए था, जिस तरह की रेस्ट उनकी बॉडी को चाहिए थी, वो उन्होंने शायद नहीं दी। उस कारण उनकी वीकनेस के कारण जो है बाल गिरने की समस्या हो सकती है और उसी के साथ साथ मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम जो है ये हो सकती है। और वहीं एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि इन लोगों को जो है डायबिटीज़ और शुगर जैसी बीमारी जो है ये भी निकल कर सामने आ रही है। इस तरह के केसेस भी कई निकल कर सामने आए हैं। जो लोग जिनको पहले कभी भी डायबिटीज़ की बीमारी नहीं थी, किसी तरह की कोई शुगर की बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के बाद उन्हें इस तरह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो पूरी तरह से ये कहा जा रहा है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन लेते हैं या कुछ स्टीरॉइड्स जब लिए जाते हैं तो बॉडी में उस तरह की जो स्टीरॉइड्स हैं वो या हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो ये निकल कर सामने आ रही है। तो लोगों को चाहिए कि कोरोना के संक्रमण के बाद वो थोड़ा अपना शुगर की जो वो कंज्यूम करते हैं उसे थोड़ा सा वो कम कर दें, ताकि उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम जो है इन फ्यूचर ना आ जाए। तो अभी यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इन लक्षणों से, यानी कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो इसका बचाव आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो उसके बाद आपको प्रॉपर डाइट जो है वो लेनी चाहिए, यानी कि आपकी डाइट में जो है किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो पूरी तरह से वीक हो गई होती है। उसके लिए आपकी प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर होगी तो आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से रिकवर कर पाएगी। और उसी के साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर डायबिटीज़ और शुगर की कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो आपको शुगर जैसे के जो भी पदार्थ हैं उसे कंज्यूम करने से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। वहीं फ्राइड चीज़ों से भी थोड़ा सा परहेज़ करें और उसके साथ साथ अपना जो आपका डेली लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा जो है अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें, और योगा और व्यायाम जैसी चीज़ें जो हैं वो अपनी दिनचर्या में ज़रूर लेकर आएँ। और उसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपको ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, आपको फिज़िकली और मेंटली आपको लगता है कि आप इल हैं, आप ठीक नहीं हैं, तो ज़रूर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी जिस भी तरह की आपको परेशानी है इसे इग्नोर ना करें और बल्कि जाकर अपना इलाज ज़रूर करवाएं। और वहीं बालों को ये गिरने के लिए, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोटीन्स जो हैं वो लेने चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको नारियल यानी कि कोकोनट आपका सेवन जो है आप ज़रूर करें। और उसी के साथ साथ जितने भी प्रोटीन वाले जो भी खाना होता है वो आप ज़रूर खाएं, उससे जो है आपको अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उससे जो है आप का जो बचाव है ये हो सकता है। तो इस तरह की COVID-19 से जुड़ी इस अपडेट में आपको काफ़ी सारी बातें हमने बता दी कि किस तरह की नई बातें जो है हम निकल कर सामने आ रही हैं। तो चलिए अभी की इस अपडेट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।